नमस्कार, मैं हूं नीदा नुमान। राजखबर में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की तारीफ की है, वहीं दूसरे दलों से आए नेताओं के वर्करों को दो टूक भी कहे। सीएम ने कहा कि संगठन में तीन तरह के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग काम करते हैं। पहले कार्यकर्ता संगठन के कार्य तक सीमित रहते हैं, दूसरे सरकारी नीतियों को जनता तक पहुँचाते हैं और तीसरे वो होते हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। इनमें कुछ नाराजगी हो सकती है, उनकी चाहत अधिक होती है। सीएम मंगलवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इधर जींद में बीजेपी के क्रू क्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने फिर अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है। सांसद सैनी ने कहा कि यदि भाजपा को लगता है कि मैं उनके काम का नहीं हूँ तो वह उठाकर फेंक दे। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी पदों के संबंध में एक सामान्य भर्ती अभियान शुरू किया है और सभी विभागों को हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सीधे सभी ग्रुप डी के पदों के लिए नई मांग भेजने का निर्देश दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य भर्ती अभियान स्वीपर चौकीदार और स्वीपर सह चौकीदार के पदों को छोड़कर शेष सभी ग्रुप डी पदों के लिए होगा। पानीपत में छठी से बारहवीं कक्षा की 22,000 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि यह चलते मन चले अगर पकड़े तो हाथ छुड़ाकर लड़कियां उसे गिरा सकें। प्रशासन की ओर से ऐसी लड़कियों को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। 20 जुलाई से इसे समालखा ब्लॉक्स शुरू करने की प्लानिंग है, जहां पर सरकारी स्कूलों में ऐसी 2,347 लड़कियां हैं। अगले 5 माह में पूरे जिले को कवर किया जाएगा। डीसी सुमेधा कटारिया ने बताया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जिले की बड़ी कंपनियां इसका खर्च उठाएंगी। SYEL मुद्दे को लेकर INLD पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन कर रही है, तो वहीं INLD का जेल भरो आंदोलन पूरी तरह से झुलसती गर्मी की भेंट चढ़ गया। दरअसल शुरुआत में तो पंडाल में काफी भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर बढ़ती गई लोगों का पंडाल से निकलना शुरू हो गया। साथ ही जब नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मंच पर आए, उस समय पंडाल में तकरीब 700 से 800 लोगों ही मौजूद थे। झज्जर पुलिस ने एक 70 साल के बुजुर्ग को उसकी बेटी से मिलवाने का बड़ा ही नेक काम किया है। पुलिस को यह बुजुर्ग बहुत ही नाजुक हालत में मिले थे, लेकिन जब पुलिस ने गहनता से छानबीन की तो पता चला कि बुजुर्ग का नाम भानीराम है और वह पिछले 1 माह से लापता थे। उसके परिजन राजस्थान के अलवर के रहने वाले थे, जिसके बाद पुलिस ने भानीराम के परिजनों से संपर्क किया और राजस्थान पुलिस से संपर्क कर भानीराम को उसके परिजनों के हवाले कर दिया। उधर भानीराम के परिजन भी उन्हें पाकर काफी खुश हैं और झज्जर पुलिस का आभार जताया। हरियाणा के जिंद में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन जयंती देवी मंदिर के पास बनी नंदीशिला में पशुओं के लिए सेठ की आधारशिला रखने गए हैं, जहां उन्होंने कहा कि गौशालाओं को अब आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिसके लिए उनमें गोबर की डंडी, गौमूत्र से बनाई जाने वाली उपयोगी औषधियों जैसी गतिविधियों शुरू कर दी गई है। इन कामों में उपयोग होने वाली मशीनरी पर 90% का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने इस मौके पर जिंद जिला की 8 गौशालाओं के लिए 76 लाख रुपए की अनुदान राशि की चेक भी विभिन्न गौशाला संचालकों में बांटे। अभी की बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र खबर।